आलसीपना कैसे कम करना है इसके बारे में लोग मेरे को पूछते रहते हैं। लोगों का ये कहना है कि हम आलसी है, और लोग देखते भी आज आस पास में कि लोग पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़। भाई अभी का काम शाम को करेंगे, शाम का कल करेंगे, मतलब लोग खुद भी आलसी है और लोगों को लगता है कि आसपास के लोग भी आलसी है, और वो आलसीपना का ऐसा पोस्टपोन मतलब वो वैसा टालना, उसके बारे में लोग सोचते पूछते रहते बताते कि भाई हम आलसी है, कैसा करें कि भाई वो तुरंत किए जाए। मैं उनको बोलता हूँ कि जो चीज़ के लिए आप बहुत उत्सुक है, जो चीज़ करने के लिए, जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या वो चीज़ करने के लिए आप वो पोस्टपोन करते हो या तुरंत कर डालते हो? बोले नहीं, वो तो फिर कर देते तुरंत। मतलब आपको किसका इंतज़ार है? बहुत बैडली मतलब बहुत बुरी तरह उसका आप इंतज़ार, मतलब वो उनको मिलने का है आपको, और उसको उनको मिलने के लिए भी 1 घंटा बाकी है, घड़ी में आप देख रहे कि अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है, उनको मिलना ही मिलना है। तो आपको 1 घंटा भी कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है समय, वो फिर तो आप चाहेंगे नहीं जितना जल्दी मैं मिल सकूँ उतना मिलूँगा तो अच्छा है। हो सकता है कि आपने प्रेयसी का इंतज़ार करते हुए देखा है प्रियकर को, कितना उस समय वो रहता है कि नहीं, समय बीतता नहीं, ऐसा उसको लगता है कि नहीं समय बीत नहीं रहा है, वो तो बहुत उत्सुक है। इसका मतलब ऐसा है कि जो चीज़ आपको चाहिए ज़िंदगी में, और सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए कि नहीं मेरे को तो चलेगा नहीं उसके सिवा, बहुत मैं उसके लिए पैशनेट हूँ, मैं उसके ऊपर बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में, तो तुरंत करेंगे आप, उस समय तो नहीं पोस्टपोन करेंगे। तो आपको क्या करना है? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार ज़िंदगी मिलती नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कम साल है कि भाई जिसके लिए आप मतलब कि बहुत बहुत पढ़े हैं, बहुत बहुत साल है ऐसे अपने पास में, मतलब हम तो ऐसे जीते हैं कि अपने पास में बहुत साल है और आराम से करेंगे। तो ऐसा न करते हुए आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है। कोई आपका पैशन देख लो, कोई आपका इंटेंशन क्या है अपनी ज़िंदगी का, ज़िंदगी का पर्पस क्या है वो देखो, आपको क्रिएट करो, खुद का पर्पस क्रिएट करो ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने में कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मुझे कौन सी चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी मैं करूँगा और उसमें मुझे मज़ा आएगा, वो चीज़ करना चालू करो। देखो आप कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करेंगे, आपको वो करने में मज़ा आ जाएगा, मतलब वो तो चीज़ अभी के अभी आप करेंगे। और दूसरा ये बात है कि वो चीज़ तुरंत करने में, तुरंत मतलब उसको पोस्टपोन न करने में, तुरंत करना है पोस्टपोन नहीं करना, उसकी हैबिट भी आपको बनानी पड़ेगी। कुछ लोगों को हैबिट रहती है कि प्रोक्रास्टिनेट करना है, आगे आगे बढ़ाने का है, कुछ लोगों को ऐसी हैबिट रहती है कि नहीं पास में चीज़ आई है वो करने का है, अपने रिस्क के ऊपर काम है तुरंत कर डालते हैं उसको। तो दूसरी बात यह है कि आपको एक तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ में मज़ा आता है, जो आपको करना ही है, वो आपका उद्देश्य जो है वो क्रिएट करो और वो काम करना चालू करो, तो आप पोस्टपोन नहीं करेंगे। और दूसरा उस समय जल्दी के जल्दी जिस समय करना है, जिस दिन करना है, वो समय करने की आदत डालो। और नंबर 3 ये क्रिएट करो कि भाई मैंने वो शब्द दिया है, वो काम करने के लिए मैंने जुबान दी है, मैंने शब्द दिया है और मुझे वो समय पे वो चीज़ करने का है, तो फिर वो काम मैं करूँगा ही करूँगा क्योंकि मैंने उसके लिए जुबान दिया है, मैंने ऐसा बोला है कि मैं काम करूँगा और वो मैंने शब्द दिया है कि मैं काम करूँगा, इसलिए मेरे को करने का है, तो इसके लिए वो काम करो। या आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका लेजीनेस जो है वो कम हो जाएगा, आपका आलसीपना कम हो जाएगा, आप तुरंत काम करना चालू करेंगे। जितना आप जल्दी जल्दी काम करोगे, समय पे काम करोगे, आपके उतने ही बड़े रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी के आपको मिलेंगे, बड़े बड़े आपको बड़ी बड़ी सफलता आपको मिलेंगी, और लेजीनेस नाम की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहेंगी नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।